नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस चैनल पे जो है टाइपिंग की क्लासेस लगाई जा रही है, और उसके साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आप सभी को देते रहता हूं जो कि आप सभी को जानना काफ़ी ज़रूरत होता है। ठीक है, अभी आप सभी का डिस्क्रिप्टिव हो चुका है, उसके बाद जो आप सभी का टाइपिंग होने वाला है, और टाइपिंग के समय पर आप एक सबसे बड़े एक मिस्टेक करते हो कि आप सभी जो है पोस्ट को तो जानते हो कि आपके पास LDC का पोस्ट है, आपके पास PSA का पोस्ट है, आपके पास डाटा एंट्री का पोस्ट है, लेकिन आप उसे किस तरीके से फिल करते हैं वो नहीं जानते हो। आप कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हो वो आप ये भी नहीं जानते। और इससे होता क्या है ना कि आप सभी को नौकरी तो लग जाती है, मगर 1000 में कम से कम 10 से 12 ऐसे लोग होते हैं जो कि उस नौकरी को ज्वाइन नहीं कर पाते। इसके पीछे रीज़न होता है कुछ मेडिकल फिटनेस को लेकर के। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आप सभी को मेडिकल फिटनेस के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आपके क्रिटेरिया जो है आपको फॉलो करना चाहिए, अन्यथा आप सभी को जो है नौकरी लेने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा चीज़ मतलब जॉब होना एक ऐसा चीज़ होता है कि आप लोग को कहा जाता है कि आपको एक भगवान से भेंट हो चुका है, बट अगर एक छोटी सी दिक्कत के कारण आप उस नौकरी से अगर वंचित रह जाते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ फिटनेस के बारे में, अगर आप कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं करते हो और कहीं ना कहीं आप नौकरी से रिजेक्ट हो जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको ज्वाइन बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आपके पास थोड़ी सी पैरवी होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स को थोड़े बहुत अप्रोच होने चाहिए, आपका अप्रोच होना चाहिए, तब जाकर ये चीज़ ज्वाइनिंग हो भी जाती है, बट ये बहुत कम लोगों के पास होती है। ठीक है ना, तो हम लोग वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या इसमें मेन चीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक PDF, ठीक है, जो कि आपका किसमें कितना सीट है इसको लेकर के है, जो कि आपका SSC के साइट से मैंने ले रखा है, तो आप उससे आप देखो। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ सीरियल नंबर, ओके, फिर आपका यहाँ पर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन नेम, ठीक, फिर यहाँ पर है आपका ईयर, फिर पोस्ट कौन सा है, LDC है, PSA है, क्या है, फिर यहाँ पे UR कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC, EWS, टोटल, एक्स सर्विसमैन, OH, HH, VH और अदर, ठीक, और उसके बाद ग्रेड पे आपका यहाँ पे लिखा, और सबसे मेन चीज़ आपका होता है कलर ब्लाइंड करके। ठीक है, ये अगर आप सभी को पता नहीं है कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, तो मैं आपको एक बात बोलूँगा, आप किसी भी एक हॉस्पिटल में चले जाओ या तो फिर जहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं, ओके, और वहाँ पे आप जाकर के बोलो कि मेरे को मेडिकल में जो है आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक करवाना है, क्या मुझे कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं, तो वो वहाँ पे डेफिनेटली आप सभी को चेक कर देते हैं। अब इसमें मेन चीज़ आपको देखना क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कलर ब्लाइंडनेस में कहीं कहीं पर लिखा हुआ यस और कहीं कहीं पर लिखा हुआ नो, तो कलर ब्लाइंड के नीचे जिसके नीचे आपका यस लिखा हुआ है उसमें वैसे लोग जो कि कलर ब्लाइंडनेस है वो उस डिपार्टमेंट में प्रेफर किए जाते हैं, मतलब उनके पास कोई भी लोचा नहीं होता है। लेकिन जिसके नीचे कलर ब्लाइंड में नो लिखा हुआ है इसके नीचे, अगर आप वैसे डिपार्टमेंट में सिलेक्ट किए जाते हो और अगर आप वो कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो तो आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, बशर्ते कि आपके पास अप्रोच होगा तो। ठीक है, अगर आपके पास अप्रोच होता है तो आप सभी की ज्वाइनिंग भी हो जाती है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि पोस्ट कौन कौन सा है जिसमें कि आपको कलर ब्लाइंडनेस वालों को नौकरी नहीं दी जाती है। तो आप सबसे फर्स्ट नंबर पर देख सकते हो, तो पहला नंबर आपको कलर ब्लाइंडनेस में यस लिखा हुआ, मतलब कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में आपका LDC पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। यहाँ पर मैं एक और बात बताऊँगा कि जितने भी सारे आपके पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं उसमें लगभग आपके कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग नहीं जाते हैं। जैसे कि आपका सेकंड नंबर पे आपका लिखा हुआ है नो, ठीक है, तो सेकंड में आप देख सकते हो कि CGDA का है, ठीक है, CGDA में भी ठीक ठाक वैकेंसीज होती है और ये काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा पोस्ट होता है हर किसी का, CGDA और CGA। तो फिलहाल यहाँ पर जो है CGDA में आप सभी एलिजिबल नहीं होते हो। फिर आपका देख लेते हैं इसके सामने, ठीक है, नो आपका लिखा हुआ है और उसमें आप देख सकते हो CBI के बारे में लिखा हुआ कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आप सभी अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो मैं यही बात बोलूँगा कि आप उसमें प्रेफरेंस किस तरीके से फिलअप करना है, जहाँ जहाँ अगर आप कलर ब्लाइंडनेस से अगर बिलोंग करते हो, ऐसा नहीं कि आप पोस्ट भरो ही मत,
उन सभी पोस्ट को जो कि आपका कलर ब्लाइंडनेस में अगर आपका है तो आप उन्हें सबसे लास्ट में यहाँ पे फिल कीजिएगा, ठीक है, पहले फिल मत करिएगा। ओके, अब फिर देखते हैं नो किस में है, तो नो फिर से यहाँ पर पहले मैं इरेज पहले कर लेता हूँ, फिर नो जो है आपका यहाँ पर है, तो इसमें है जो नो वो कौन सा पोस्ट है आपका, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि नो मतलब जहाँ जहाँ पे आप सभी का नो लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे उन सभी पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके आगे चलते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं इरेज कर लेता हूँ क्योंकि इरेज नहीं करने पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है बाद में। और इसमें आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे नो नो किया हुआ है आपका। फिर ये सबसे लास्ट में दो पोस्ट मिलेगा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और राजभाषा विभाग CTB। फिर आपका यहाँ पे फिर देख सकते हो तो आपका उसमें भी जिसमें नो है वह है आपका, सॉरी एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक जाओगे आप, ठीक है, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में नहीं जा सकते हो, फिर उसके ऊपर में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में भी, उसमें भी नहीं जा सकते हो। तो आप ये इन सभी चीज़ों को आप देख लेना एक बार PDF डाउनलोड करके। फिर आपका नेक्स्ट हम PDF पे चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि PASA के लिए हर कोई लोग जो हैं एलिजिबल हैं, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस वाले जितने सारे लोग हैं वो सभी के सभी एलिजिबल हैं, ठीक है। फिर आपका मेन डाटा एंट्री का पोस्ट आता है और इसमें भी ये सबसे अच्छी एक रॉयल नौकरी मानी जाती है CHSL के थ्रू, तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के थ्रू जो है ये सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है, वो है आपका SCAG, ठीक है, CAG। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर होना बहुत ही अच्छी बात होती है क्योंकि इसमें प्रमोशन जो है काफ़ी फास्ट होती है, बट यहाँ पे भी कलर ब्लाइंडनेस वाले लोगों को जो है एंट्री नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं दी जाती है, बट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में दी जाती है और, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में भी नहीं दी जाती है। तो जब भी आपका भी पोस्ट फिलअप करना, हालांकि मैं इस चैनल के थ्रू आप सभी तक अवेयरनेस पहुंचाते रहता हूं, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब टाइम जब आएगा तो उस समय भी मैं आपको टोटल A to Z चीज़ मैं आप सभी को बताने वाला हूं। सो डोंट वरी फॉर डैट, आई एम विथ यू टिल योर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, ओके, एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो टेंशन मत लेना अभी से, अभी सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पे फोकस कीजिए। मैंने टाइपिंग के लिए भी मैंने क्लास चला रखा है यहाँ पर, और आप चाहो तो आप टोटल टाइपिंग की क्लासेस देखिए क्योंकि वहाँ से आपको टोटल हेल्प आपको मिल जाएगी जो आपका इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि जिनमें डेडिकेशन होगा सीखने का घर पर, वही लोग वहाँ पर बस सीख सकते हैं, ठीक है, वरना जो लोग जल्दी से जल्दी डिविएट हो जाते हैं उन सभी को मैं यही बात बोलूँगा कि आप टाइपिंग इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन कर ले सकते हो, बट कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लगता है वहाँ पर, ठीक है। अभी मेरे को पता हुआ है कि पटना में ही आपका 10,000 फीस है, हरियाणा वाला एक बंदे ने फ़ोन किया था, उन्होंने बताया कि 6,000 से 8,000 रुपये वहाँ पर सिखाया था। केरला साइड में भी मेरे को बताया गया था क्या कि 10,000 भाई लेते हैं, ठीक है, तो आप खुद सोचो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं, क्योंकि जो मैं यहाँ पर सिखाऊँगा वही चीज़ आपकी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, किताब के बारे में मैंने आप सबको बता रखा है, और वही चीज़ जो है आपका टाइपिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग ही करवाते हैं, बस अंतर उतना ही होता है कि वहाँ पे एक माहौल जमता है, ओके, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद पड़ा होगा, और आगे चल के जब भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें पर थोड़ा सा समझदारी से फॉर्म अप्लाई करोगे, जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर एक सीट में डलवाया था पोस्ट प्रेफरेंस, उस समय पे आप थोड़े से सोच समझ करके अप्लाई करोगे, वरना आगे चल करके ऐसा होता है कि नौकरी होते होते जो है रह जाती है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद पड़ा होगा, इसे आप अपने जितने भी सारे दोस्त हैं, जितने भी सारे आपके फैमिली में आपके रिलेटिव्स हैं जो कि जिन्होंने भी SSC CHSL 2018 Tier 2 जो दे रखा है, उन सभी तक इस वीडियो को फैलाइए ताकि वो ऐसे मिस्टेक ना करें, और क्योंकि ऐसा मिस्टेक होने के बाद एक पोस्ट भी एक बर्बाद होता है, साथ ही साथ में आपकी ज्वाइनिंग भी नहीं होती है। तो जब आपके सभी फैमिली में सबको पता चल जाए कि आपका नौकरी हो गया है उसके बाद आपको ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं हर किसी को एक गिल्ट लगता है, एक बहुत ही फ्रस्ट्रेशन वाला एक माहौल एक हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों से मैं पहले ही आप सभी को अवगत करा देता हूँ, तो डोंट वरी फॉर डैट, तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करो वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आप चैनल पे अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ एक बगल में एक बेल आइकन होती है उसे भी आप प्रेस कर लो ताकि आपके पास जितने भी सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है चली जाए। तो चलिए चलता हूँ मैं,
थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।